हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंह चूल्हा चौका। आज हम बनाएंगे होम स्टाइल चिकन करी। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो आइए इसको बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक हांडी ले लेंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, मैं हांडी ले रही हूँ। अब हांडी गर्म हो गई है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम तेज पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हम जीरा डालेंगे। अब इसमें हम हरी कटी हुई मिर्ची डालेंगे। जब हमारी मिर्ची थोड़ी स्प्रिंकल हो जाएगी, तब उसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से एक बार मिलाते हुए चला लेंगे, ताकि सब अच्छे से मिल जाए। अब जब तक हम इसे मिला रहे हैं और ये थोड़ा भुन रहा है, हम गरम मसाला बना लेंगे। अब हमारे प्याज थोड़े थोड़े भुनने लग गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि मैंने चिकन पहले से ही मैरिनेट किया हुआ आधे घंटे से, उसमें भी पेस्ट है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप बिना मैरिनेशन का चिकन यूज़ करना चाहते हैं, तो सारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जितना भी आप डालना चाहते हैं, डायरेक्ट इसी में डालें। गरम मसाला बनाने के लिए हम लोग ने सबसे पहले लौंग, मेथी, काले मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और सूखी लाल मिर्च ले लिए। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहे तो जीरा और धनिया भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो। जीरा मैंने डायरेक्ट डाला है और धनिया पाउडर का मैं इस्तेमाल करूँगी। अब गरम मसाला बनाने के लिए हम लोग एक पैन ले लेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग दालचीनी डालेंगे, मैं शुरू में दिखाना भूल गई थी। उसके बाद हम लोग इसमें जावित्री डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, मेथी, लास्ट में लौंग। अब हम इन सबको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, बिना ऑयल के, बिना किसी चीज़ के। हम ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे तो जलने का डर रहता है, और जैसे ही एक बार ये गर्म हो जाए, उसको हम पैन में ट्रांसफर करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो गया है, मसाले का कलर बदलने लगा है। अब हम इसे तुरंत ही मिक्सर में ट्रांसफर कर लेंगे और एकदम से ही उसका ढक्कन लगा देंगे। अब हमने तुरंत इसे इसलिए बंद कर लिया है कि उससे क्या होगा कि गरम मसालों का और खड़े मसालों का जो भी फ्लेवर है वो अंदर ही रहेगा, उड़ेगा नहीं, और ये बहुत ही अच्छा किसी भी खाने में टेस्ट देता है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं, मैं इसे कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। यह मेरा मैरिनेटेड चिकन है। इसको लगभग आधे घंटे पहले मैंने धोकर अच्छे से क्लीन करके जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च और हल्दी डाल के मैरिनेट कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग इसे नॉर्मल धो के डायरेक्ट यूज़ करना भी पसंद करते हैं। आपकी जैसी मर्जी हो, आप उसको वैसे यूज़ करें। अब देख सकते हैं कि जितनी देर में हमने मसाला बनाया है, उतनी देर में जो हमारे प्याज है वो अच्छे से लाइट ब्राउन हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट से लुक दे रहे हैं। अब हम लोग इसमें जो चिकन है वो डालेंगे। मैं आधे घंटा मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप डायरेक्ट चिकन भी इस टाइम पे डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मैंने स्टार्टिंग में लहसुन अदरक कम यूज़ किया था, क्योंकि मेरे मैरिनेटेड में लहसुन अदरक काफ़ी है। आप अगर डायरेक्ट चिकन यूज़ कर रहे हैं तो लहसुन अदरक डायरेक्ट इसी में डालें और थोड़ा ज़्यादा डालें। अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट ढककर फिर से भुनने देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि प्याज और चिकन कितने अच्छे से भुनने लगा है। इसको एक बार हम मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा तेज खाना पसंद करते हैं, कुछ कम और कुछ नॉर्मल।
सो स्वाद अनुसार। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी हमने मैरिनेशन के वक्त भी डाला था तो मैं कम ही डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एवरेस्ट चिकन मसाला, क्योंकि चिकन में बहुत ही अच्छा कलर देता है। और लास्ट में हमारा होममेड गरम मसाला जो हमने बनाया था। होममेड गरम मसाला से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू तो देता ही है, और साथ में कुछ लोगों को बहुत ही अजीब लगता है जब खड़ा मसाला मुंह में आता है। तो उसका भी बेस्ट सोल्यूशन है कि आप उसको भून के थोड़ा सा ठंडा करके पीस लें और उसको यूज करें। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो लग जाएगा। अभी 2 से 3 मिनट ही हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसे हम पहली बार चला रहे हैं तो इसी बीच में हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो मसाला है वो टमाटर की मदद से बहुत ही अच्छा पक जाएगा और जलेगा नहीं, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब फिर से 5 से 7 मिनट हो गया है टमाटर डाले हुए भी। अब हम इसे एक बार फिर से चलाएंगे दूसरी बार अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे हरी प्याज। ये टेस्ट टेक्सचर दोनों ही देता है, ये ऑप्शनल है, बट अगर आपके घर में हरी प्याज हो तो इसको जरूर डालिए। सीरियसली गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसे एक बार मिला के फिर से हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं इसको 10 से 12 मिनट लगभग हो गया है। इस बीच में हमने इसे 2 बार चलाया है, एक बार टमाटर डाल के एक बार हरी प्याज डाल के। अब हम इसे फिर से चला लेंगे। तेल छोड़ चुका है, पर अभी चिकन पकने में तो टाइम लगेगा ना, तो अब मसाला लगे नहीं या चिकन लगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चलाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से, हमने पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लिया। आप देख सकते हैं ना, पानी ज़्यादा नहीं डाला है। अब इसे फिर से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक पानी ऑब्जर्व ना हो जाए। बीच बीच में इसे आप चलाते रहें। अब देख सकते हैं, अब लगभग इसे 15 से 20 मिनट हो गया है, हमने पानी डाल डाल के इसे चला के पका लिया है। इसने पूरा अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसे मिला लेंगे। मैं इसका कंसिस्टेंसी इतना ही रखूंगी पानी का, कि मुझे ज़्यादा पानी वाला नहीं पसंद है। आप लोग चाहें तो इसको, अगर आप कम कंसिस्टेंसी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से टूट रहा है, तो इसका मतलब हो गया है, ये पक चुका है। तो इस टाइम पे अगर आपको थोड़ा पतला या थोड़ा थिक करना है तो इसको थोड़ी देर और पका लीजिए बिना ढके, और अगर थोड़ा पतला करना है तो पानी डाल के पका सकते हैं, पर मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी। अब इसमें लास्ट में हम लोग डालेंगे वाइट बटर। ये स्पेशल ट्रिक है, अगर आप लोग के घर पे वाइट बटर है तो ज़रूर यूज़ कीजिए। येलो बटर नहीं है तो कुछ भी मत डालिए, वाइट बटर है तो ही यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और इसे मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पिघलने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया। अब हमारा होम स्टाइल चिकन तैयार है, इसको हमने सर्व कर लिया है। अब हम इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे।
आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है। सीरियसली गाइस ये खाने में भी बहुत अच्छा बना है। आप इसे चावल रोटी प्लेन पराठे के साथ सर्व कीजिए और खाइए। अगर आपको मेरे होम स्टाइल चिकन की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे बनाइए खाइए और मेरे चैनल सिंगसूला चौका को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।